पश्चिम बंगाल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार को अपने ही कार्यकर्ताओं ने 12 सितंबर को घेर लिया। न सिर्फ घेरा बल्कि बीजेपी के ही जिला कार्यालय में बंद भी कर दिया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी किए। पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि मंत्री सुभाष सरकार तानाशाही रवैया वाले नेता हैं, उनके कारण जिले में बीजेपी को नुकसान पहुंच रहा है। बाद में पुलिस को आना पड़ा और उसके बाद मंत्री को छुड़ाया गया। सुभाष सरकार बांकुड़ा से बीजेपी के सांसद हैं। ये बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये केंद्रीय मंत्री भी है, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को कार्यालय में एक घंटे से अधिक समय तक बंद रखा। यह घटना तब घटी जब मंत्री बांकुड़ा के पार्टी कार्यालय पहुंचे। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और जैसे ही वह कमरे के अंदर गए, पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमरा बाहर से बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। घटना की सूचना मिलने पर जब बांकुड़ा के बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल पार्टी कार्यालय पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी धक्का मुक्की की। जब सुभाष सरकार को पुलिस ने बाहर निकाला तब मीडिया ने बार बार पूछने पर उन्होंने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, साथ ही प्रतिक्रिया देने से इनकार भी कर दिया। हालांकि बांकुड़ा के जिला अध्यक्ष ने दावा किया कि आंदोलनकारियों को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था, जिनका अब पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जब कार्यकर्ताओं ने घेरा तो इस दौरान केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जोर जोर से दूर हटो के नारे लगाए जा रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि मंत्री सुभाष सरकार तानाशाही रवैया वाले नेता हैं और इसी वजह से बीजेपी को जिले में नुकसान हो रहा है। प्रदर्शनकारियों में से एक मोहित शर्मा नाम के प्रदर्शनकारी के अनुसार से उन्होंने कहा कि सरकार समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देती है और अपने करीबी लोगों को जिला समिति का सदस्य बना रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हम में से कुछ को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, हम पार्टी को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। इस बार उनकी अक्षमता के कारण बीजेपी को बांकुड़ा नगर पालिका में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि पिछले चुनाव में 2 वार्ड में जीत मिली थी। वे पंचायत की कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार सके, यह शर्म की बात है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ में कहा कि बीजेपी जैसे अनुशासित पार्टी में ऐसी घटनाएं अस्वीकार है। अगर कोई शिकायत है तो इसे उठाने के लिए उचित मंच है। इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकार ने इस मामले में उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क नहीं किया जा सका है, सरकार से बात इस पर नहीं हो सकी है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हाल ही में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन हार के बाद भी बीजेपी खुश नजर आ रही है। बीजेपी ने भले ही टीएमसी को कम वोट से जीते हों, लेकिन आंकड़े ये हैं कि 2018 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ी है। इतना ही नहीं, इस बार बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ा है। 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी के ग्राम पंचायत की 5779 सीट मिली थी, जबकि इस बार उससे ज्यादा सीटें मिली। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी की सरकार को पीछा करने के लिए बीजेपी ने भी खूब दमखम अपनाया था, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। अब दिखती न्यूज तक।